मैं तान्या, अपनी तान्यास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ शोरबे वाले बैगन। स्लीप प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूँ कि शोरबे वाले बैगन बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बैगन। ये मैंने यहाँ पर बैगन लिए हैं, आधा किलो बैगन लिए हैं, जो नमक के पानी में मैंने पहले ही काट रखे हैं, काट के डाल रखे हैं। आप भी इसी तरीके से इसी आकार में बैगन काटिएगा और नमक के पानी में इनको भिगो के थोड़ी देर के लिए रखिएगा। और मैंने इसके लिए लिया है यहाँ पर लाल मिर्च, दो लाल मिर्च लिए हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ रखा है। और एक चम्मच राई ली है, 10 पत्तियाँ मैंने मीठे नीम की ली हैं, एक चम्मच मैंने उड़द की दाल ली है, एक चम्मच मैंने साबुत हरा धनिया लिया है, साबुत धनिया लिया है, यहाँ पर एक चम्मच मैंने मेथी ली है, हल्दी पाउडर लिया है, मिर्ची पाउडर लिया है, यहाँ पर मैंने सब्जी फ्राई करने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल लिया है, हरा धनिया लिया है और इमली का गूदा लिया है एक चम्मच। यहाँ पर नमक लिया है मैंने, यहाँ पर एक कप मैंने प्याज लिया है और एक कप मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम शोरबे वाले बैगन बनाने के लिए अब हम जो हमने धनिया लिए थे, अब हम इनको कढ़ाई में डालेंगे, मेथी डालेंगे और जो लाल मिर्च ली थी उसको डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर भूनेंगे। ये यहाँ पर देखिए, हमने इसको भून लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्राइंडर में डाल के इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर अपना मसाला दरदरा पीस लिया है। तो अब ये मेरे बैगन आधे घंटे से ज़्यादा भीग चुके हैं। अब हम इसको दबा के इसका पानी निकाल के इसे निकाल लेंगे, इसमें से दबा दबा के निकालेंगे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। इसी तरह मैंने दवा दवा के सारे बैगन्स को पानी से बाहर निकाल लिया है। अब हम बनाने शोरबे वाले बैगन बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए एक हमने कढ़ाई ली है, अब हम उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे एक चम्मच बड़ा चम्मच तेल डाला है। अब हम इसको गर्म होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें एक चम्मच राई डालेंगे। इसको भूनेंगे और एक चम्मच उड़द की दाल डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें हींग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हींग का यूज़ नहीं किया है। इसको अब हम भूनेंगे। हमने इसको यहाँ पर हल्का भून लिया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लें। जब ये प्याज भून जाए, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हमने जो टमाटर लिया था वो टमाटर डालेंगे। हमारा प्याज भून गया, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसको
हमने अपने यहाँ पर टमाटर को थोड़ा दर दरा पीस लिया, भुन धनिया वाला भुना दर दरा मसाला डालेंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इस मिश्रण को हम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। अगर आपको लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा आप पानी डाल सकते हैं इसमें। हम इस मसाले में अब थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के पकाएंगे। हमारा ये पेस्ट अब भुन गया है। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। हमने ये बैंगन को अच्छी तरीके से चला लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक देंगे। अब हम इसे पकने तक ढक के रखेंगे। बैंगन को आप खोल के नहीं बनाइएगा, इसको ढककर ही पकाइएगा। यहाँ पर हमारे बैंगन बन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे इमली का गूदा। इसको डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे बैंगन बनके तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इसको किसी के भी साथ चपाती या पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।